हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आप गई हूं आपकी एक नई रीडिंग लेके, जो कि है अक्टूबर आपका कैसे जाने वाला है, और ये है हमारी प्यारी प्यारी मिथुन राशि के लिए। सो आइए देखते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाएगा, जो कि है अक्टूबर का मंथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, और वो ये है कि क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपको रेजोनेट करे आप वो लीजिए, जो आपको नहीं कर रहा उसको जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लगाना है। एंड यस, लेट्स स्टार्ट विद मिथुन राशि। तो हम पहले देखने वाले हैं कि आपका ये थीम कैसा जाने वाला है, मिथुन राशि का थीम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड मिथुन राशि के लिए एक क्या चैलेंज है जो आ रहा है, मिथुन राशि के लिए क्या चैलेंज आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड मिथुन राशि के लिए ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग आते हुए नहीं देख पा रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मिथुन राशि के लिए एक क्या ब्लेसिंग है जो अक्टूबर के मंथ में आ रही है। ओके, मिथुन राशि, मेरे को बहुत ही ऐसे उल्टे फुल्टे से कार्ड्स आए हैं। सो बात करते हैं थीम। तो अगर मैं थीम की बात करूं, तो थीम में आपका आया है यांग एंड कमिंग टुगेदर। सो लेट्स शो यू द कार्ड्स। कमिंग टुगेदर आपका थीम है, और उसके साथ साथ है यांग। तो पहली चीज़ तो ये कि इस बार, इस मंथ में आपकी जो एनर्जी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होने वाली है। आपका यांग एनर्जी जो है, चाहे आप एक मेल हैं या आप एक फीमेल हैं, ठीक है, आपकी यांग एनर्जी जो होगी वो काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगी, वो काफ़ी डोमिनेंट रहेगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर सकते हो। मुझे इस मंथ में आप सोशलाइज करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो। फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके अंदर। हो सकता है आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो। यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देंगे, अपनी अपीयरेंस को और ज़्यादा अच्छा करेंगे, किसी भी वे में, जिस भी वे में आपको पसंद है वो वाली चीज़। और साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैं एक नई रीडिंग बनाऊँगी रोमांटिकली भी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ रोमांटिकली भी, तो रोमांटिकली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप और आपके लवर जो हैं वो साथ में आओगे, ठीक है। तो जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि इन रिलेशनशिप्स में आप लीड लोगे कहीं ना कहीं। ओके, चाहे आप एक मेल हैं या आप एक फीमेल हैं। लेट्स क्लैरिफाई कमिंग टुगेदर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी कहीं ना कहीं जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हाई रहेगी, जैसे कि मतलब कि आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहोगे, आप काफ़ी एक्शन लेने वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ओके, और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, बिकॉज ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है कि आपके अंदर वो जो पैशनेट एनर्जी है, वो जो एकदम फायर, जल्दबाजी वाली एक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आके कुछ गलत डिसीजंस भी ले लो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना, आपको ऐसा लगेगा एकदम से आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास आ गया है। ओके, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है, और जब हम वो चीज़ हो जाती है ना, तो हमारी वो जो एनर्जी है वो बढ़ती रहती है, राइट। हमें और ज्यादा कंट्रोल करना होता है, हमें और हम और ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी का ध्यान देना है, लोगों के साथ मिल बांट के चलना है, खाली अपनी यांग एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, मतलब रहो लेकिन इतना भी नहीं रहना है। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्या चैलेंज है जो हमारी मिथुन राशि के लिए आ सकता है अक्टूबर में, तो लेट्स सी, कार्ड आया है ब्लेस्ड एंड लिसन, और ट्रिपल टू, यहाँ पे टू और टू टू है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है। ब्लेस्ड कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, टू ऑफ कप्स। अब ये जो है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ में ये जो हो रहा है, ये तो मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं तो यही चाहता था, या तो मैं तो यही चाहती थी, या कुछ भी ऐसा। ओके, आपको बहुत ब्लेस्ड भी फील हो सकता है, आपको लगे कि भगवान जी मेरी सुन रहे हैं या जो भी, लेकिन
उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो ब्लेसिंग लग रही है क्या वो सच में ब्लेसिंग है। यहाँ पे कार्ड आया है लिसन का, तो आपको इंट्यूशन की सुननी है। आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेंगे, लेट्स से कभी कभी हम किसी पोस्ट पे कुछ पढ़ लेते हैं, हम कभी किसी बोर्ड पे कुछ पढ़ लेते हैं या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। और आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए ब्लेसिंग है या चलो मैं इस पार्टनरशिप में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, वो हो सकता है कि आपके लिए सही ना भी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप एंजल समझ रहे हो वो एंजल है या नहीं है, जिसको आप डेविल समझ रहे हो वो डेविल है या नहीं है। तो ये जो एनर्जी है इसको लेके आपको बहुत कॉशियस रहना है, काफ़ी माइंडफुल रहना है इस एनर्जी को लेके। एंड कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हों। और अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में पता है, कुछ लोग के लिए हो सकता है आपका ये फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन यही आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि आपको देखना है कि कौन डेविल है और कौन एंजल है। ओके और दूसरी चीज़ मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगी, तो ये जो चैलेंज है इसके साथ साथ हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके एक्शंस या डिसीजंस होंगे उन्हीं के बेसिस पे आपकी आगे की जर्नी भी डिसाइड होगी। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन लें बहुत वाइजली लें, बहुत सोच समझ के लें। ओके अब मैं बात करती हूँ अगर कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप आते हुए नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है कम्युनिटी का और इसके साथ साथ आया है योर डार्केस्ट फियर्स। ओके तो हम पहले से क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये दोनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके सो गाइज, आप लोगों के लिए जो एक ऐसी चीज़ जो आप आते हुए नहीं देख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं ये है कि इस मंथ में ना आपको कहीं ना कहीं आपको पुश करेंगे यूनिवर्स एक कम्युनिटी में जाने के लिए और सोशलाइज करने के लिए। ठीक है, ये जो मंथ रहना चाहिए आपके लिए, घर पे बैठ के आपको नहीं बिताना है, आपको ट्राई करना है कि आप घर पे इतना ज़्यादा ना बैठे, बाहर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, सोशलाइज करें। क्योंकि जब आप वो चीज़ करोगे ना तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। अभी आप किस स्टेट में हो, अभी आप इस स्टेट में हो, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेट में क्या हो, आप बोर्डम वाली एनर्जी में हो, आप कहीं ना कहीं रेस्ट वाली एनर्जी में हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, आपको हो रहा है कि हाँ ठीक है हो जाए, अपने आप हो जाए, ये हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पुश मिलेगा एक कि आप जाओ, आप सोशलाइज करो। और उसके साथ साथ ना आपके कुछ फियर्स भी हैं रिलेटेड टू सोशलाइजिंग, या फिर मैं अपने पार्टनर के सामने कैसे दिखूं, मैं अपने पार्टनर के सामने अच्छा दिखूंगा या नहीं दिखूंगा, ये सेल्फ डाउट से रिलेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी कुछ मुझे फियर्स यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। तो इधर भी आपको ध्यान देना है कि ये जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी रिलेटेड टू योर सोशल सर्कल वो किस लिए होंगी, वो इसलिए होंगी जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत जल्दी आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अगर आपको कोई लेगा कि आपके बाल ब्लू कलर के हैं तो हो सकता है आप वो भी मान लो, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। आपको सेल्फ डाउट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है, अपने ऑप्शंस को देखना है, अपनी चॉइसेस को देखना है। रिलेशनशिप्स में चॉइसेस होनी चाहिए हमेशा, नॉट ऑप्शंस, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अपने चॉइसेस को देखो और अपने काम में अपने ऑप्शंस को देखो, चीजों को एक्सप्लोर करो। ओके एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग में आए ऑल दैट ग्लिटर्स, तो आपने ये सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है या हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो यहाँ पे वही वाली चीज़ आई है। लेट्स सी कि क्या है ये मास्टर वाला कार्ड ब्लेसिंग में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेसिंग भी होगी ना वो कहीं ना कहीं ये होगी कि आपको किसी हार्ट ब्रेक से हो सकता है कि ये ब्लेसिंग आपको बचाए। ठीक है, अगर आपको ये भी लगे ना कि बाद में आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए वर्क नहीं किया, या इसने ऐसा हो सकता था अगर इसके साथ मैं जाता या जाती या मैं ये काम करता या करती या कुछ भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन। जब हम रिजेक्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाली की प्रोटेक्शन होती है, राइट? तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, कि
आपको ये चीज़ डेफिनेटली समझ आएगी कि कहीं ना कहीं भगवान नहीं चाहते हैं कि आप वापस से डिसअपॉइंट हो, भगवान नहीं चाहते हैं कि आपका वापस से दिल टूटे किसी भी चीज़ में, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। अब हीलिंग कैसे हो सकता है, चाहे वो रेकी के थ्रू हो, आप थेरेपी सेशंस ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो भी आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, आपके पहले के हार्ट ब्रेक्स को बचाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये थी हमारी मिथुन राशि के लिए रीडिंग, एंड मैं वापस आऊँगी आपके लिए एक नई रीडिंग लेके जिसमें हम आपकी लव लाइफ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी करें। दैट इज़ इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।